प्रणाम नमस्ते, आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज आप लोगों को मेरा लुक थोड़ा सा बदला लगता होगा आई गेस, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। साथ में आज का जो मेन ब्लॉग बनाने का पर्पज़ है वो मेरे हेयर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है। आप लोग हमेशा मुझे रिकमेंड करते रहते हो कि आपका हेयर बहुत ही सुंदर लगता है, उसका कलर एंड ऑल बहुत ही अच्छा लगता है, कौन सा ट्रीटमेंट करवाती है, कहाँ से करवाती है, इसकी क्या प्राइस पड़ती है। सो सारी चीज़ें आपको आज के ब्लॉग में पता चलेगा। एंड मैं क्या अपने हेयर पे अप्लाई करा रही हूँ और कितना हेल्पफुल है, वो कराना चाहिए या नहीं कराना, वो सारी डिटेल मिलेगी। थोड़ा सा लेंथ मेरा छोटा हो गया बट ऑल ओवर मेरे लुक वाइज बहुत गुड। और बाकी की अभी तो मैं घर वर आई हूँ तो मैंने बाल समेट लिया था तो थोड़ा सा ये लग रहा है, बट आपको वीडियो में मेरी पूरी लुक दिखने को मिलेगी और सारी डिटेल्स स्पाइस के साथ मिल जाएगी। तो आप लोग जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को दबा के रखिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और फटाफट से फॉलो करिए, लाइक कमेंट करते रहिए और शेयर ज़रूर करिए अगर किसी के भी आपको फ्रेंड को ये ट्रीटमेंट करवाना है तो। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। तो लो जी, मैं आ गई हूँ अभी शैम्पू स्ट्रेचर पे और यहाँ उन्होंने शैम्पू करके अभी मुझे सीट पे बिठा दिया है और ये क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को देखने को मिला होगा नीचे मैंने बताया बायोटिक ट्रीटमेंट है ये, जो कि कैरेटीन से ऊपर आता है बोटॉक्स और उससे ऊपर आता है बायोटिक्स। तो ये एक हेल्दी ट्रीटमेंट हेयर के लिए होता है। देखिए अभी ये लोग सिलिकॉन कोई एक प्लास्टिक आता है जो बहुत ही पतला प्लास्टिक होता है जिससे कि एयर ना जाए, तो क्रीम अप्लाई करके वो लोग एक घंटे के आसपास यानी 50 मिनट तक छोड़ेंगे और उसके बाद ये प्लास्टिक से लपेट देंगे ताकि एयर जो है वो अंदर ना जा सके, क्योंकि उन्होंने क्रीम अप्लाई किया है तो उसमें एयर नहीं जाना चाहिए इसके लिए। और इसके बाद ये लोग 50 मिनट छोड़ के उसके बाद शैम्पू स्टेशन पर वापस ले जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को इसको वॉश करने का अलग तरीका अभी देखने को मिलेगा। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, क्रीम को प्लास्टिक हटा दिया है और अभी धीरे धीरे से पूरे, मतलब आप कह सकते हैं कि इनको क्रीम को अच्छे से हेयर पे मला जा रहा है, उसको मैस किया जा रहा है और इस तरीके से अप्स एंड डाउन करते ये लोग मसाज कर रहे हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब भी मैं अपनी हेयर को ब्लॉन्ड करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट कराती हो, कितना प्राइस पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इस बार ब्लॉग बना देते हैं ताकि लोगों को देखने को मिला कि मैं अपने हेयर पे क्या करवाती हूँ और इसकी क्या प्राइसेस पड़ती है। तो आप लोगों को ब्लॉग को एंड तक देखिएगा तो पता चलेगा कि मैं जो अभी बायोटेक्स ट्रीटमेंट करवा रही हूँ उसकी क्या प्राइसेस है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब तक ये लोग मल रहे हैं मैं आपको बता दूँ, आप लोग देखते रहिए किस तरीके से मल रहे हैं पूरे छोटे छोटे पार्टीशन लेके। और ये जो ट्रीटमेंट है वो बायोटेक्स है, इससे हेयर की ग्रोथ में बढ़िया होता है, बाल झड़ती नहीं है, हेयर्स पे शाइनिंग रहती है, जो मौसम का चपेट हेयर्स पे पड़ता है वो भी नहीं पड़ता है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, साथ में जो शाइनी और स्मूथ लुक होता है वो मिलेगा हेयर को। और अभी ये लोग पूरे अच्छे से ड्राई करेंगे हेयर को, क्योंकि कोई भी फॉर्मुलेशन अप्लाई करने के लिए हेयर को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये लोग हेयर को अच्छे से ड्राई करके उसके बाद में जो है वो बढ़िया से ड्राई करके अभी आयरनिंग अप्लाई कर रहे हैं और तीन स्टेप में ये लोग आयरन करेंगे। तो पहले जिसको स्मूथी और शाइनी जो लुक दे रहा है या थोड़ा सा स्मूथ लुक आए उसके लिए आयरन इम्पॉर्टेंट है। आयरन के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा कलर तो ऑलरेडी हेयर में मैंने पहले से बलियाज करवाया था इनके यहाँ से ही, उसका इफेक्ट दिख रहा है। और अभी ये आयरन करके जो है थोड़ा सा बस रूट टचअप करवाऊँगी क्योंकि मेरे वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो न्यू आए हेयर आते हैं वो, जो पुराने हैं वो तो ठीक है। तो ये लोग आयरन करने के बाद में ताकि हेयर सेट हो जाए। और अभी रूट टचअप के लिए ब्राउन और ब्लैक का एक मिक्सचर आता है जो कि ना ही ब्लैक दिखे ना ही ब्राउन, वो रूट टचअप के लिए पूरे हेयर पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है इस तरीके से फिर उन्होंने इसको 45 मिनट तक छोड़ना है, छोड़ के उसके बाद ये लोग मुझे उन्होंने नाश्ता दिया है स्नैक्स, क्योंकि शाम का 6 बज रहा था उस टाइम पे, तो मुझे सैंडविच वेज सैंडविच दिया गया। तो मैं आराम से वेटिंग रूम में बैठ के अच्छे से यहाँ पे जो है वो सैंडविच खा रही थी। मुझे फूडिंग भी ये लोग देते हैं, मैंने इससे पहले एक बार कॉफ़ी पिया था। और इस तरीके का ये इनका वेटिंग रूम है, बहुत ही अच्छी रूम भी है, यहाँ पे बैठ के आप आराम से खाइए और अपना टाइम स्पेंड करिए जो गैदरिंग से थोड़ा अंदर हो जाता है उसके लिए। तो उसके बाद जो है मैं आपको लुक दिखाती हूँ, वॉश हो गया। अब ये आ गया आपको लुक, जो वॉश था कलर वो नॉर्मल होता है, ये इस तरीके से दिखेगा, एकदम लाइट वेट हो चुका है हेयर, शाइनी है और बाल थिकनेस हो गया, आपको देखने को मिलेगा थिकनेस हो चुका है। ये मेरा लुक है, आप लोगों को मेरा लुक श्योर अच्छा लगा होगा। प्राइस जो है इसकी वो 7499 है, लेकिन मुझे 6000 में इन्होंने करके दिया है। साथ में जो है
वो इन्होंने मेरा रूट चप का 1400 और मेरी शैम्पू 2800 की है, 1500 की स्पा क्रीम है, 1700 की और 1500 की सीरम है। तो ये चार्जेस मुझे टोटल पड़े हैं। और ये जो है वो पार्क स्ट्रीट एरिया में हेड टर्नर सलोन है कोलकाता में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।